हेलो जी राम राम राधे राधे गुड मॉर्निंग तो माधव गोविंद से मिल लीजिए सभी तो आज दिन है जी संडे सुबह को टाइम है तो अभी मैं तैयारी करूँ सब्जी की तो सब्जी आज बनाऊँगा पनीर की तो आज थोड़ा सी अलग तरीका तो मैं सोचा चलो आज टाइम है जल्दबाजी है क्योंकि संडे है तो संडे ना अपने इतनी जल्दबाजी को नहीं होाने है, की पर तैयारी मैं पहले ही करके छोड़ दूँ तो उरे में एक चम्मच देसी घी घाल के सारा बीज टमाटर लसन प्याज जो भी है आ बड़ा बड़ा कट करके और खड़िया मसाला घाल के थोड़ा सा कम आंस पर आं थोड़ा सा पका लियूँगी फिर जब ठंडा हो जाएगा फिर आप पीस लियाँगा तो इं सब्ज़ी बनाने थोड़ा सा अलग टेस्ट आव है तो अभी मैं बच्चा खातर बनाया है ब्रेड जैम तो मैं कह रहा चलो बेटो वे बना दूंगी सैंडविच तो वे बोले ना मैं तो आज जैम सा खाऊँगा सीधा सिंपल ही तो फिर बस सिंपल बना के बंद दे दिया मैं बना ली चाह तो चाचू पी ली नाश्तों पर सारा कर लियो तो अभी मैं मसालो इसको पीस के रख दूंगी दूध गर्म हो ही गयो तो सागे सागे काम इसका किचन का भी चाल बोकर है और इतनी भी हैं भी चलो काम चाहे संडे हो चाहे मंडे हो वो काम तो चाल ही बोकर बीह रोज़ थोड़ी सी जल्दबाजी है आज थोड़ा सा आरामदारी कर लेंगे तो अभी आप देख के आवगा भी रानी भी बारह के काम करा लग रही है के तो काम कर लियो वो भी मैं थाना दिखा के ल्याँगी तो चलो जी आप सब्जी की तैयारी करके छोड़ दी छौक तो बाद में लगावांगा तो रानी जूता दोगे सुखा दिया सारा और कपड़ा भी बन सारा धो लिया तो बस सुखाने वाला करी बारह जाड़ी सारी बारगी आधी कच्ची है पल हमारी आधी पक्की है थोड़ा सा झाड़ू भी टाइम ला जाए तो दोबारा डोगी बैठे है जी दनियो केक पैकेट पहला पहल पड़े बड़ा डब्बा हमने चला मैं तो फिर धनिया पाउडर मारो खत्म भी हो रहे हो तो मैं सोचा चलो इन पीस लियाँगा तो तावड़ा रखिय जितना सारो काम करा इतना थोड़ा सा तावड़ो ला जाए और बियाँ साफ़ है मैं सारो चेक कर लियो पैकेट आओ दनियो बियाँ साफ ही हो तो कुर्सी पर मैं थाली रख दी तो अब आप वापिस चला किचन में तो सब्जी के मैं शौक लगा दियो तो रोटी तो अजय भी को खावा पर मैं चलो सब्जी तो टेक ही दूँ तो पनीर कट कर लियो तो वो है जी गोपाल जी खातर तो सब्जी मैं चढ़ा दी एक पाँच दस मिनट और पकाएगी सब्जी तो कपड़ा रानी सारा धो ही दिया तावड़ो बहुत तेज़ हो रहा है और अंदर की मैं सारी बारह झाड़ी कर ली पोचो भी लगा लिए बस बहरों थोड़ा सा लो रही है तो मैं बस जगह दो चार बर्तन है बिचा चू पीओ नाश्त तो वगैरह करे नहीं तो बर्तन धो के रख दऊँगी और दूसरा बर्तन दुप्पन ला रहे आज आज अच्छी रोटी खाई को नहीं, रोटी बाकी है बाकी मैं सारो काम कर लियो बस रोटी रोटी रही है बनाने तो फिर मैं सोचा चलो वेकर देती जल्दी रोटी तो खा खनी और जो कोरासना वो भी डब्बा में भर दियो वो भी काम आसान हो जाएगा क्योंकि रोटी खा के बर्तन धोवांगा रोटी बनावांगा फिर तो बस ऐन थकावट आ जाए फिर वो काम करने जी कौन करे मैं सोचा चलो वो भी शुक्र है अभी रोटी भी अभी कौन खावे क्योंकि अभी ब्रेड खाया फिर इतनी जल्दी भूख भी खोन लाग गया तो अब मैं वो काम ने वेट दूंगी मेरा राशन बाणे वाला जो भी डब्बा भरने है वो तो रानी बारे भी आपको काम लाग रही है तो डब्बा सारा मैं बाहर निकाल लूगी खाली है बस एक आदम कोई दाल वगैरह होएगी और सारा दोगे रखेड़ा है साफ है डब्बा और बियाँ भी, भी जो तो कोई खाली हो जाए नहीं एक आदो तो मैं सागे सागे दोगे रख दिया तो सारा बारह निकाल गए और फिर आग पर राशन भर देंगे वीडियो में लास्ट टाइम बनया रही हो फुल वॉच करियो वीडियो ने तो अब लिस्ट है तो इन सागा मैं सारो सामान मिलाऊंगी चेक करूंगी भी के सामान आए है के रे तो क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी हो हाथ तो हाथ भी एक दिन टपजे तो कोई बात नहीं अगर बोला दिन टपजे नहीं फिर दुकानदार कौन बात ना समझे तो सागे सगे चेक कर लेंगा कोई बार कोई चीज़ गई है भी पीसा लगा दे कई बार बैठरे जाए दुकान पर तो सागे सागे लिया जाए और कई बार भी यहाँ मिस हो जाए कोई चीज़ तो मैं सारों दुबारा निकाल के राशन गट्टे में बारे काट लियो सारो मिला लियो सारो सामान समान आपको लिस्ट में लिखा लिखाए वो तो है जी देसी घी और एक आप को डब्बो होंग माने बत्ती बटाई बत्ती सी हो बस जलानी होवे तो गी सारो सारोंग माही हो बन देव जिन पसंद है क्योंकि बे कदी कद दियो करे नहीं बन कहो तो दिन वे बत्ती में करेगा गी गो दियो कौन करे वे तो घी मैं मंगाए है मंगा क्योंकि मैंने भी गी गो दियो बधिया लाग है तो स्पेशल अपने दिए खातर घी आए है ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਦੀਪ ਗੀ ਲਿਆਂਤਾ ਤਾਂ ਅਬੋ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇ ਕਵੀ ਦੀਪ ਗੀ ਵਧੀਆ ਕੋਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਆਣੋ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਲਿਆਣੋ ਤਾਂ ਬਸ ਦੀਏ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀਪ ਗੀ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਇਤਮ ਮੈਂ ਚਲਵਾ ਦੋਰਾ ਸੰਥਾਂ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਜਿੰਗ ਮਾਂ ਔਰ ਚਾਵਲ ਹੈ ਦੋਲਿਆ ਕਰਿਆ ਚੀਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਗੀ niche 베ਰ ਕੋਨੀ ਔਰ ਇੰਗ ਮਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਜਕੇ ਵੇ ਆਲੂ ਸਾਬਾਗਾ ਪਾ ਬੜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਬਸਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੀਰਾ ਕੋ ਪੈਕੇਟ ਆਲੂ ਬੜੀ ਕੀ ਸਬ지 ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ नाइस एवरी डे गो भी सुको दूध तो जन्माष्टमी पर मिठाई बनाऊंगा नहीं तो भी मचाइए गो वो रिफाइंड को पैकेट है तो है जी ब्रेकिंग पाउडर है वो ब्रेकिंग सोडो मंग चलो कोई बात नहीं वो तो केक वगैरह में ज़्यादा है तो इंगमा दाम है काजू है काजू थोड़ा सा ही लिया है तो इंगमां है दाल हरी दाल है इंगमा तो हिंगमां चीना की दाल है पहला चीना की दाल पिलकर अपने ख़राब आ गई तो मुड़के लिया ही इंग आगमां बेसन है इंग इंगमां है, है कालो नमक डली तो नमक भी आप बनावांगा खत्म होने ही है क्योंकि इन नमक भी लासी में डेली चाहिए फ्रूट पर लासी पर और इंग किशमिश बिंगमा इंग इंगमां नीला गोड़ा चाय पत्ती है कान की मिश्री है और चाय पत्ती भी की बार चेंज लिया है देखांगा किसी का तो इंग हिंगमां साबुत धनियो मूँगी मछरी दाल मूंग की मसरी दाल तो जरूर होनी चाहिए घरे बस अब थोड़ी सी बंसरी हमारे तो महाराज में मा गुड़ क्योंकि मूंग की मसरी दाल ही है जी घरे होवे नहीं तो कई बार कोई आ जाए चांच की तो सोखी बन जाए और इंग में सारा खड़ा मसाला ओ है जी कश्मीरी लाल मिर्च कस्तूरी मेथी बिया तो देखो किसी का कश्मीरी लाल मिर्च का हमारे गरीब बनाईड़ी है देखो किसी को हो होगी इंग में अखरोट अबकी बार थोड़ी सी अलग दुकान पर ले आईनी जो थोड़ा सो समान थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है पर भी समान ने देख के तसली होगी समान एकदम फ्रेश है बढ़िया समान है तो जो भी समान एक करना चाहिए पैकेट है तो मैं वो मैं बड़ा डब्बा मंगाल के रख दूँगी बाकी जो भी समान है वो सारो राशन जो सारो डब्बा में भर दूंगी तो ये दाला चीना राजमा वगैरह तो देखो डब्बा में चाहिए चाहिए बाकी जो कोई अब जीरो पैकेट में एक पहला पड़े वो गाल दियो जो धनियों कौन सी है तो वे चीज़ा मैं भीम गाल के रख दी बड़े डब्बे में तो उरा दिन में बदम और किशमिश दे दिया अभी फ्रिज में रख दे ये मैं फ्रिज में ही रखा जो सूजी हुई मैदो हो सूजी मैदो भी मारे पड़े हो, तो वो कौन मंगवाए मैं इंगमा है बाकी क्या करें मिश्री नेंगी ਤੋ ਬੋਬੀ ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਮੰਗਾਲਦੀ ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਇਹ ਜਿਕਾ ਵਰਗੇ ਰੱਖ ਦਊਂਗੀ ਤੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਖਾਣੋ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤੋ ਕੋਈ ਕੋਣ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੈ मैं करो काम अब जो छेड़े और करके फिर ही बनाऊंगी रोटी तो तो मैं सागे सागे देखो चेक भी कर ला रही हूँ भी कहीं गुण वगैरह ना लाग जड़ा क्योंकि मौसम में नहीं राशन कोई भरोसा को नहीं खराब बहुत ज़्यादा नहीं कड़ाई मौसम में सामान और गरे भी बहुत ज्यादा समान रखनी पड़े और सागे सागे मैं नहीं मालूम घेर दूंगी एक एक दो दो डब्बा में तो फिर सामान ज़्यादा खराब को नहीं हो तो जी सारों समान आप लियो थोड़ा बहुत रही है वो भी सैट कर दिया और इंग मा है जी देसी शक्कर भी शक्कर भी गरेमन जरूर चाहिए क्योंकि काने ने भी भोग ला गया और एक मारो लड्डू गोपाल आदि भी ने भी जरूर चाहिए शक्कर तो देसी चीनी भी रखा मैं कई बार शक्कर खत्म हो जाए तो देसी चीनी भी सागे भोग लाग जे काने ने तो जी हिंगमां बस जो भी है और समान बरदियों मैं अभी तो मेरे भी ध्यान को नहीं के समान किम के, के गल है तो बियाँ भी थाना दिखने लाग रहा सामी तो बस चावल में खीर वाला अच्का भी पुनिया वाले दिन मंगा लिया दो किलो चावल तो चावल में बे, बे बे तो खुला तो कौन मंगाया पैकेट वालों मंगा लियो सारो सामान गाल दियो सारा डब्बा रानी लगा ला रही है तो अब बारी आ गया अपने रिफाइंड की तो रिफाइंड को पैकेट खोल के मैं जग मैं रिता लियो तो अब मैं बोतल भर के छोड़ दूंगी क्योंकि बोतल में एक पहला मंगाई तो बाद में पैकेट ही मंगा लाग गया तो बेंग मंगा दिया तो रिफाइंड ने देख के जी कर आओ पूरी को आटो तो मैं सिंपल रोटियाँ को ही लगायो पर अब मौका को सलाह बनगी पूरी की क्योंकि पनीर की सब्जी है तो कभी भी सागर अपन पूरी बना लियो भी रिफाइंड जब मैं गालन ला रही हूँ तो बच्चा ने देख लियो कभी रिफाइंड की भी आज पूरी बना लियो का पूरी खाने जी करें संडे नहीं है सोचा मन पसंद खाओ जो अन बढ़िया ला गया बना दें और ज्यादा एक जी करेगा जल्द ही बनावगा क्योंकि मैं तो रोज़ ईसो ही खावा टिफिन गो अरबे भी आदमी भी बास्ता दौड़ता सा सुबह इसी भूख लागे तो खावा है बस अर संडे नहीं है भी आपको बढ़िया आरामदारी सारा जना जीम लिया तौर तो अपनी गर्मा गर्म पूरी ला रही है। थे भी जीम लियो सारा जना गर्मा गर्म पूरी और कशिश जिमान ला रही है, आपके बड़े पापा ने और आपके भाई ने तो माधुम ने अपना भोग लगा दियो तो खाणो खूनो में सारा खा लियो बर्तन बुरतन सारा धो लिया तो अभी मैं पीसिया मसालो साबुत धनियों सूंफ लौंग इलायची करिया मसाला थोड़ा बहुत गाल के काली मिर्च तो सारी चीज मिक्स करके मैं पीस लियो तब तो एक डब्बो भर के आप रख दियो तो अब आप मसालो हैज को सब्जी में चाहिए तो अपन रोज़ पीसना कौन पड़े कट्ठो पीस के रख दियो मैं तो कई दिन आँगो तो बस जी डब्बो बंद करके आप रख दियो तो अब आप थोड़ा बहुत दो चार बर्तन और है जगह मसालो से पीसिया धो के रख देंगे तो रसोई आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो अब आप एक हाँ फ्री कई देर खातर जी टाइम हो रहा बारह बजे को तो बारह बज गया तो अब आप फ्री हो काम करके और अभी मैं नागे आई हूँ बर्तन बुरतन धोया फिर मसालो पीस के गा लो डब्बा तो बस अभी फ्री हाँ अब एक तो फ्री हाँ भी हम आज वेग रही है पर अभी फिलहाल भाई मौके पर दोबारा तो जा रहे हैं कोई काम आ गया वरना संडे या कभी आगजे कभी उड़ जाए काम हो दोबारा उड़ जाए और नहीं तो गरीब हुआ है संडे तो ब्याह हुआ तो फिर चाह और, तो 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 और देव जी गया सिरसा सागा आदि भी गये तो वे बाबू बेटो सिरसा गया हर सूर्य फोन देखने ला रहे हैं तो शेर से बिन्ने कमरा में पढ़ने ला रही है रानी भी बिन्ने सीखती है और आप पाठ लो अभी तो ठीक है जी वीडियो काम करे है तो अभी मैं वीडियो पब्लिक करूँगी टाइटल वगैरह लिख लिया फिर देखा आगे कें जा थोड़ी देर सो जाऊँगी रेस्ट कर लियूँगी अगर भी आ गया तो फिर चाह बनाऊँगी तो जी अभी टाइम है एक बजे को तो मैं बनाऊंगी चाह तो पहला मैं थाने एक टोपियो दिखाऊं देखो पित्तल को बहुत बारी मेरे वीडियो में देखियो भी है थे क्योंकि इंगम मैं गर्म पानी करके पिया मैं दोनों बिना गर्म पानी को टेस्ट तो इंगम बढ़िया आवा पर चाह बनावानी तो ब चाह को टेस्ट बढ़िया कौन लागे ले लिया मैं चाह खातरी है शुरू खोत महीने पर चाह बढ़िया कौन लागे गया माँ तो एक मिनट आयो कभी थे पित्तल के टोपी में चाह बनाया करो जैसे आवाज़ शेयर करी है तो अभी टाइम है ढाई बजे को तो बस बजे आए आया और आंता ले आया अमरूद और आजकल अमरूद बहुत बढ़िया होचा खाचा अमरूद बढ़िया लाग है हरिया तो मैं पहला गोपाल तो जी ने भोग लगा दूंगी फिर मैं खा लिया तो गोपाल जी आलो देखो कितों बढ़िया लाल लाल अमरूद निकले है और एक दिन खा लिया लिया तई भी दिन तो सही है दूसरे दिन तो नहीं पीला पीला हो जाए कम अच्छा लाग है फिर चलो जिथे भी खा लियो कच्चा कच्चा अमरूद हरिया तो अभी टाइम है साढ़े चार बजे को तो अभी आई है अपने कचौरी तो बे संडे दिन ज्यों बारह चक्कर ला क्यों कभी घरे आ गया कभी बारह उड़ गया काम भी है, ड्यूटी है तो बार जाओ भी पढ़ाइया तो ऐसी छुट्टी है तो घरे रह गया तो बे जियाँ भी गेड़ो ला गया बारह जाके आए नहीं तो कुछ ना कुछ खाने संडे आए दिन ही आवा क्योंकि वे रोव्यास सारा घरे है अभी आदि आ, आ गए सिरसाऊँ तो वह मैं इन पूछन ला रही भी के करे बड़ जा गए क्या नारा लगाया क्या बस मी बारे में बताने लग तो बस ये भी आंता लिया अमरूद भी भी है ना वेर भी बे अमरूद आ रहा और सागे ले सब्जी और सागे बे भुजिया और जो गुड़गा भी हो होनी शक्कर पारा बे लिया है तो उ रखिया पचा बड़न खाता तो सारो समान राणी रानी के रख देगी और हम उमरूद हम देखो फर्क है योड़ा थोड़ा, -थोड़ा। यहाँ पीला पीला सात हरिया कौन कच्चा कच्चा कौन पहले पहला पिल -पिला सा हो रहा है तो अभी ये सारो सामान को काट के रख देगी और फ्रूट और सब्जी सारा धो के रख देगी भी बाद में आपा पियाँगा चाहे टाइम चार साढ़े चार, चार बजे को है तो बच्चा बस उरे बैठे वो टाइम पास कर ला रहे छुट्टी वाले दिन तो उरे बातचीत भी ला रहे है। वो सारी बात बताओ बट हमें इियाँ करे बियाँ करो और तो छुट्टी वाले दिन उड़ जाए सर से आप वापस आ गए तो उरा जी भैया मेरी मशीन ठीक कर ला रहे हैं बहुत दिन आगे मेरी मशीन यहीं पड़ी थोड़ी सी वेल्डिंग खुल गई तो वह करवा के लिया है तो पाछे जड़ी है तो इन चक्कर में थोड़ा बहुत नीचे रे तोरा तो भी हो गया तो फिर मैं काट दूँ थोड़ी सी हल्की सी झाड़ू बियाँ तो मेरे सामने बहुत कम निकाला झाड़ू कोई ज़्यादा कचरो कुचरो हो जब तो काट दिया और आज बियाँ थोड़ा सो भी मशीन मशून साफ़ करी चंगी तरह तेल तुल लगाए तो मैं सोचो चलो थोड़ी सी हल्की सी झाड़ू काट दिया उरे बच्चा बैठे आपको फोन देखने ला रहे हैं तो हर्ष शायद बारह जा रहे हैं टाइम ਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਬਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਚੀਨਾਗੀ ਤੋ ਚੀਨਾ ਵਗੈਰੇ ਚੀਨਾਗੀ ਦਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੋ ਦਾਲ ਵਗੈਰੇ ਕਦੀ ਕ੍ਰੇਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਨ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਬਾਏ